लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Alpha for Bravo, over. Alpha for Charlie, over. Alpha for Charlie. Charlie, this is Alpha. Report headquarters, over. Sir, Lieutenant Kalia, carry out a detailed recce with this patrol. खबर मिली है कि कुछ चूहे LOC क्रॉस करके इस तरफ घुस आए हैं। ऐसी कोई भी हरकत नजर आए, Lieutenant, get in touch with me immediately and pass me the information. Don't worry, sir. उन चूहों को हम कुचलकर LOC के उस तरफ ढकेल देंगे, sir. Good. All the best. Thank you, sir. Get me Brigade Headquarters. Alpha to Tiger, come in. Over. Sir, I have a problem. Not been able to establish radio contact with both my patrols for last 2 weeks. There is absolutely no news of them. This is the cause of worry, sir. Now you do one thing, Colonel. Wait for my further orders. And please don't send any more search parties. Let me talk to the higher command and I'll get back to you. Over and out. Over. अरे क्या हुआ? बमबूस्ट लगा हुआ था साहब. अंधेरे में दुश्मन कहाँ थे? पता ही नहीं चला. जी, 27 JCO, 470 अदर रैंक, हाजिर हैं। बटालियन हिलो मत। श्रीमान, 3 ऑफिसर्स, 27 JCOs और 470 अदर रैंक्स हाजिर हैं। ओके। बटालियन, विश्वास। बहादुरी का दूसरा नाम गुरखा बटालियन है। बहादुरों, ये लड़ाई और खून खराबा हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हाल ही में कश्मीर को हमने खून में रंगे देखा। गुरखा पट्टन का नाम सारी दुनिया में मशहूर है। एक मर्तबा हिटलर जैसे सिपाही ने भी कहा था, अगर गुरखाओं की पलटन मुझे मिल जाती है तो मैं सारी दुनिया पे फतेह पा सकता हूँ। इसीलिए आज आपका ये सीओ ललित राय अपने बहादुर सिपाहियों को कारगिल पे फतेह देखना चाहता है। कोई शक? जय बाकोली। बटालियन माउंट।
राम साहब, सब राम राम। आराम से संजय, छुट्टी से जल्दी आ गया? हाँ साहब, जैसे खबर मिली कि पलटन फॉरवर्ड मार्च कर रही है, मैं तुरंत चला आया। रघुनाथ जी साहब, घर से चिट्ठी आई है, माजी की तबीयत कैसी है? ठीक है साहब। जवानों, मेरे साथियों, जब मैं छोटा था तो हम बस्ती के बाहर एक हवेली में रहते थे। जब भी कोई मेहमान आता था तो उसकी खातिर तवाजो की जाती थी। जब कोई बिन बुलाया आता था तो उसे खिला पिला कर बाहर भेज देते थे। कभी कोई भटका हुआ जानवर घुस आता था तो उसे लकड़ी से हाँक कर बाहर कर देते थे। लेकिन जब भी कोई चीता या भेड़िया घुस आता था तो उसे गोली मार दी जाती थी। आज हम सबके घर में ऐसा ही कुछ हुआ है, कुछ भेड़िए हमारे घर में घुसकर बैठ गए। अब तुम लोग ही बताओ उनके साथ क्या सुलूक किया जाए? मार दिया जाए। वैसा ही कुछ करने जा रहे हैं हम। वादा करो कि ये काम पूरा किए बिना हम वापस नहीं आएंगे। क्या ये इरादा पक्का है? हाँ, ये इरादा पक्का है। This game will come. Get out of this chilling area. सर, नेशनल हाईवे पर आरटी चलेगी। तेरी बहन का। अरे, ये अपनी बात के स्वागत में तो बड़ी गोलाबारी कर रहे हैं भाई। यादव जी, बात यह है कि हमारे पास खबर थी कि ये ससुर अपने आप कुछ मुझा क्या कहते हो मुझा चाचा। अरे मुजाहिदीन भाई, लगता है नेशनल हाईवे वन को तोड़ना चाहते हैं ताकि लद्दाख को कश्मीर वैली से अलग थलग कर सके। हाँ सर, सुना था कुछ चूहे घुसाए। माँ का, ये चूहे की आवाज है क्या? बलवान, शायद ये साले चूहे हमें दम करने वाले। धनाधन भम के गोले, धनाधन भम के गोले, टूट गई बेचैनी चूल्हा, राम गई बदले तो लाइयो छड़बर, दीवाने हो गए यार ने नाना मारे। बोलिए साहब, हमारा ट्रक सड़क से नीचे उतर गया है, उसे निकालने के लिए मदद चाहिए साहब। चलो चल के देखते हैं। Come on boys, let's move. बटालियन के साहब, इसमें 8 सिख और ग्रेनेडियर्स के जवानों की डेड बॉडी हैं जिन्हें हम लेकर श्रीनगर से दिल्ली जा रहे हैं। ताशें और वो भी ट्रक भर कर सौगंध माँ के दूध की, हर एक जान का बदला लूंगा। इस वक्त मैं बदले के बारे में नहीं, इनके घर वालों के बारे में सोच रहा हूं जिनकी आंगन में इन शहीदों की लाशें जाएंगी। सर, लगता है कारगिल सेक्टर में काफी खतर है। Let's put the coffins inside. अभी भी पकड़ा हुआ है साहब जी।
जिंदगी ने साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ, कम से कम सिपाही की बंदूक तो उसके साथ है। साहब इसको मरे हुए तो कई दिन हो गए हैं, ये 16 ग्रेनेडियर्स का है साहब। इसका मतलब बाकी की मिसिंग पेट्रोल भी आसपास होगी। सबसे पहले इन बॉडीज को नीचे लेके जाने का बंदोबस्त करो। जसर मंचा जी साहब, छीटो कार्रवाई करने। जी साहब। मैसेज दो कि हमें जल्दी रीइंफोर्समेंट चाहिए, तब तक हम अपनी पोजीशन होल्ड करके रखते हैं। कोई शक? जैसे चांद बादल में छुपेगा आगे बढ़ना, उसके निकलते ही वहीं रुक जाना। दुश्मन को हमारा मुंह में खबर नहीं होना चाहिए। जी साहब।
एक्सप्लोजन राउंड फायर करो। इन कुत्तों पर फायर करो। ईटी 456 फायर। शेर साहब लाइन पर हैं। गोमती के सहारे टू अल्फा ओवर। कांग्रेचुलेशंस मनोज, दिस इज अ ग्रेट डे, फर्स्ट विक्ट्री ऑफ ऑपरेशन विजय, ओवर। थैंक यू सर, ओवर। दीपक सर, ये तो दुश्मन की मोर्टार पोजीशन है। कितने आदमी हैं? मोर्टार पोजीशन में जितने होते हैं उतने होंगे। ओके सर, एक बात बोलो। हाँ। उस पाकिस्तानी को पेशाब करते हुए देखकर मेरा भी सुसु करने का बड़ा मन कर रहा है। इसका मतलब तेरी खातिर इनको जल्दी मारना पड़ेगा। When you gotta go, you gotta go. Let's go then. Let's go. Jack Balwan! We'll be right back.
अल्फा, अल्फा कम इन। ब्रावो, दिस इज अल्फा, पास योर मैसेज ओवर। सर, सर, वी कैप्चर द मोर्टार पोजीशन, बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट फ्यू मेन सर। कुछ जख्मी हो गए और कुछ शहीद हो गए सर। गॉड डैम इट। रेस्क्यू करो। ही हैज मैनेज्ड टू कैप्चर वन बंकर, लेकिन इस वक्त वो दुश्मनों से घिरा हुआ है एंड ही हैज नो रेशन एंड नो एमिनेशन। ओके, विल यू गो? सुबह होने वाली है। आई गो नाउ। गुड, गो गो लड्डू, चलो।
घातक टू अल्फा, घातक टू अल्फा। यस बलवान, कम इन। सर, द घातक हैव टेकन टाइगर हिल सर। टाइगर हिल पर तिरंगा लहरा रहा है सर। एनी कैजुअलिटी? कैजुअलिटी तो हुई है सर, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि द पाकिस्तानीज फॉट वेरी ब्रेवली सर। सर, इन पाकिस्तानियों की बॉडीज का क्या करें सर? गिव देम डीसेंट बरियल अकॉर्डिंग टू मुस्लिम राइट्स। सर, आखिरकार 18 ग्रेनेडियर्स की जीत हुई है सर। वी टुक टाइगर हिल। कांग्रेचुलेशन मलवान। कम सून।